दे अपने घर वाले पासे चल जिदू तू आई है उदे ही चल अपने रब वाले पासे चल साडी रूह आलम ए अमर दी चीज है और रूह दा शौक असल आखिरत है इसे वास्ते जिना एक गल दूर कर दिता जंग दूर कर दिता दुनिया दी हकीकत समझ के दुनिया दी मोहब्बत दिल ने तू कर दिती उना नु हर वक्त फिक्र फिक्र आखिरत हर वक्त आखिरत दिया जाता आखिरत दी फिक्र सहाबा दी जिंदगी देखो और दुनिया दा कोई मौलवी किसी एक सहाबी दा एक लम्हा नहीं दस सकदा जिससे उस दुनिया दी मोहब्बत दा इजहार कीता दुनिया दा लिका ते शौक की तौर पे जेड़ा भी उना दा शौक मुकाबला भी कीता तो आखिरत दे दा अल्लाह दे रसूल ए दसे ना अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जड़े नमाज सुबह तस्बीहां पढ़दे हो ये गरीब साहबा के या अल्लाह है जड़े बालदार है इना माल अल्लाह दी राह विच खर्च कीते ते असी गरीब आए ते अगे निकल वैसे फाड़ी ते मेरी रीस की होंदी इसदी दुकान हिक के ते मेरी अदा हो इस कोल मोटरसाइकिल है मेरे कोल गड्डी होवे इस कोल गड्डी है मेरे कोल पुजारो होवे उसको भी यही जोक है कि यार बस कर दो तुम नाराज बैठे हो है जोक है या नहीं यही जोक है तो साहबा का जोक देखे कि क्यामत वाले दिन वो लोग तो उच्चा दर्जे चले वैसे असल तले रह जाता अल्लाह के रसूल पर मैं ऐ जिक्र करो ये जेडे आजकल जिक्र वाली मजलसा चली है ना पीरा दिया ये निरी बिदअत ते दलालत है ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰੱਬਾ ਜਾਂ ਮਜਲਸਾਂ ਚਲੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਨਿਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਇਖਲਾਸ ਹੈ ਨਿਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਓ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬੇ ਇਲਮ ਓ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਾਨ ਸ਼ਬੇ ਫਲਾ ਇਹ ਤਦਾਈ ਇਹ ਹਯਤ ਇਹ ਮੁਰਾਕਬੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ अल इखवान अल ओ जिक्र के कर दे ना कर ये जिक्र बिल अन पे होने के जिक्र बे दा आगे मदखूल माजू पे उते अकरम मुनासिब नहीं ओला माफ समझ ले सर ओ भी शुरू है ओ भी नष्ट आ चुका है जिते अल्लाह दे रसूल जिक्र आखा है उते कोई एक नेड़े दा नहीं सी ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਮਾਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਦੌਰ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਬਿਰ ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਕੀ ਛੋੜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੇ ਅਕਾਬਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਤਲਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਖਾਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਹੈ ਨ ਕੌਣ तो हुसने मुहम्मदी देखे ही नहीं तो जिस हुसने मुहम्मदी ईमान नाल देखे काबा दे रब दी कसम उदिया नजरा तो जिब्रील वाले पासे भी नहीं टूर दिया सुभान अल्लाह ये तेरे गद दे भरे हुए डिब्बे मशायख ते पीर ते खिजीर जिन्हां दा सारी जिंदगी दुनिया कमाना है चल यार नाराज तू हो रहे हैं एक गल में दस इना पीरां दे बैंक बैलेंस चेक छका जो करोड़ा रुपए ना निकले तो मैं तकरीरा करना छोड़ देता ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਰਲਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵਾਲੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਅਰਬਾ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਜਾ ਖਾਜਗਾਨ ਬਣਾ ਪੀਏ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕਯੂ ਮੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਪੀਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਟੇਰਾ ਬਣਾ ਪੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾਹੌਲੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਹੀਂ घर का माहौल अंग्रेजी है और सब कुछ अंग्रेजी तादी पे उतू तू बोल फलाल और मैं आखे जरे अपने घर को सही नहीं किया अपने वजूद ने मुहम्मदी रंग के सिमगत अल्लाह उसका नाफिल नहीं होया और जिसका अकीदा कुरान वाला नहीं बना जिसका अमल मुहम्मद की सुन्नत वाला नहीं बना जिसने अपने अमल है तू बिदत के छेक तक अंदर नहीं निकला वो उम्मत की इस्लाह की कर सी सच्ची गल है जो कूड़ी गल कर भी जरूर है लेकिन है सच्ची गल इस वास्ते पहले गंद साफ कर और उस नु मुसलमान जड़ी इस्लाम कुरान नाल करे सुन्नत ए मोहम्मद ए मुस्तफा नाल करे
अज असाडा भी शुरू कर दिता वेखा विखाई भेद भेद जुकाम लगे ना चार बिना भी लगे तो उन्हें भेदा जुकाम लगा अज साडा भी शुरू कर हमारे अकाबिर हमारे फलाने चावड़ तेरे अकाबिर सा कोई अकाबिर नहीं मेरे अकाबिर नबी दे साहबा मेरी आइडियल नबी दे साहबा ओ गल कर रहे हम रह गई पर मैं उन्होंने आइडियल बनाओ क्यों त्राए बजाने चार बजाने कानू अफजल हाजिल उम्मा ओ इस उम्मत दे अकाबिरीन सब तू अफजल है और अपर रहा कुलूबा दिल दे मेरे उन्हां दे दिल विच देखी है तेरे ते मेरी मस्जिद ने देखी है वजूद ने देखी है तेरे ते मैं कहनूं तहज्जुद दा ए जो अगर दो रकात नसीब हो गई है अबे तो है ही कोई ना ये ज़ौक ही कोई नहीं ओ अल्लाह नाल ज़ौक बन गई तहज्जुद दे जी तेरा तहज्जुद पढ़ के अल्लाह नाल गला करके दे असल लज़्ज़त है ही पिछली रात की और जो मोबाइल महरूम हो गई खराटे पिया मारदा हो गई ये हदीस नहीं सुनी अल्लाह के रसूल फरमाया कि अल्लाह की रहमत रात के पिछले पहरे पहले आसमान से गश्त करती है हदीसे नुज़ूल एक मौलवी हैरान है कि उनके जमाना उठी करी अल्लाह की रहमत गश्त करती है कि अल्लाह वलू इलाम दे हल मिन मुस्तरज़िकिन है कोई मेरे को रोटी मंगाने वाला आज वजीर आजम थानू आके है कोई रोटी मंगाने वाला इस्लामाबाद आ गए पैदल भाग हो सब इतने सच्चा बादशाह पिया दे हाल में मुस्तर देखे है कोई रोटी मंगाने वाला हाल में मुस्तर फेरे और है कोई गुनाह ना तो थका होया मेरे को माफी मंगाने वाला मैं उसको माफ कर देवा हाल में भी हाजा है कोई लोड़ा थोड़ा वाला मैं उदिया पूरिया कर देवा ये अल्लाह का ऐलान हो गई ये खास अल्लाह के रसूल पर मैं जेड़ा बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ दे उसने अगर गुनाह समुंदर की छाग जितने हो मैं अल्लाह वो गुनाह भी माफ कर दे और जरा तहज्जुद तो बाद अल्लाह की मुलाकात अल्लाह के सामने अपनी कोताहियां का तस्करा अल्लाह की अजमत का तस्करा है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखे है कि अगर बादशाहों को इस लज्जत का इल्म हो जाए तो खुदा की कसम बादशाहियां छड़ के मुसल्ला दिया तू भी जरा मेहनत कर यार एक वादा करो कुछ एक तो नमाज नहीं छोड़ घर नमाज का इंतजाम कर नजाम सलाह पता लगे कि तुसी बात सुन के अमल दी नियत रख बैठे हो और दूसरा जेडे किथे बैठे हो कम अज कम तहज्जुद शुरू कर दे अगर आठ रकात नहीं पढ़ी दी दो पढ़ लो चार पढ़ लो छह पढ़ लो उठ के ते फिर अल्लाह नाल गला शुरू कर दे अगर इंशाल्लाह चार दिहाड़े नसीब हो गई ना तो ये भी इबादत है जरा अल्लाह के नेड़े कर देने अल्लाह पाक अपने नबी नु फरमाया पर तहज्जुद भी ही मेरा पैगंबर तहज्जुद पढ़ा कर यह लुकामी इबादत इतने रियाकारी नहीं तहज्जुद पढ़ी कर मैं के करता आसा आई जब आसा का रब्बो का मकाम महबूदा ये हूँ रब तो बड़ा लंबा हो जा सी रमियाली के लोग वैसे भी मसले दे माहिर हो माशाल्लाह मैं अर्ज कर रही हूँ वापस आ जा असल जड़ी चीज है दिलों का संग उतारण वाली चीज कहवे कुरान है और दूसरी चीज या मौत दी जा जो चिट्टे बाल ही ये भी मौत का अलार्म है लख बारी भी रुका उत्तू घंटी बारी गई उलमा ने नजीर मौत के अलार्म कई तफसीर की जैसे बाल चिट्टे हो गए हूँ समझ उत्तू आ गई झंडी आ गई जा बीमारी लग गई है ये भी मौत की अलामत है कोई बबा आ गई है ये भी मौत की अलामत है हम बुखार है सारे चाड़ी खड़े कोरोना वायरस आ गया जी सारे डरे पे लेकिन कोई बंदा तौबा ते भी होए किसी बंदे तौबा की थी और ख्याल अल्लाह